Hello and welcome you all. Most of the second year students are asking about the most important questions from the second year English book and they are asking about the guest papers. So this video is surely for all of you. So we have selected the most important question from all the subjects and compiled it in one file. So have a look on this. इन द चैप्टर नंबर वन डाइंग सन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास थर्टीन जो है वट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अदर हैवलिंग बॉडी ये थर्टीन टाइम्स आया इस क्वेश्चन को आपने सही तरीके से याद करना है राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ ये फिफ्टीन टाइम्स आया है ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये आप अपनी नोट कॉपी पे या अपनी बुक टू पर आप ये चैप्टर्स के आखिर में क्वेश्चंस को जो है वो मेंशन करते जाएं ताकि आप जो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से याद कर सकें हाउ इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में ये भी बार बार रिपीट होता है बोर्ड के अकॉर्डिंगली प्री बोर्ड एग्जाम्स जो आपके होंगे उसके अकॉर्डिंगली भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये फोर्थ क्वेश्चन जो है फोर्टीन टाइम्स आया है वट हैपन वेन अ वेंडिंग स्टार केम एम नियरर एंड नियरर ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बार बार रिपीट होता है वाई

और इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है देर आर सम बॉयज़ हु हैव डन वेल एट द स्कूल बट फेल टू मेक द मार्क एट द कॉलेज हु आर दे ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है इसको भी आपने अपने पास नोट no डाउन कर लें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आपके पास होगा इन द चैप्टर नंबर फोर एंड ऑफ द टर्म इसके अंदर डैचिस का जो एटीट्यूड था वीकेंड्स के टवर्ड और डैचिस का जो जनरल व्यू है स्कूल लाइफ के अकॉर्डिंगली उसको सही तरीके से आप लोगों ने याद करना है और समर हॉलीडेज के मुतलिक और लॉन्ग वीकेंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं ये भी मोस्ट रिपीटेड हैं बोर्ड के अकॉर्डिंगली इन द चैप्टर नंबर फाइव I've... ऑन दिस ट्राइंग बुक्स वी हैव फोर क्वेश्चन एज वेल मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्हीं को आपने याद करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है ये बार बार रिपीट होने वाले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी क्वेश्चन को भी छोड़ दें आप बाकी क्वेश्चन को भी सही तरीके से करें लेकिन ये फाइव क्वेश्चन जो मैं आपको फोर क्वेश्चन हर चैप्टर्स के बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट रिपीटेड है बोर्ड में बार बार आते हैं तो ये आपको याद करने चाहिए लाजमी तौर पर वट्स आर्ट ऑफ अर प्रजेंट ब्रिटिश पब्लिक टू द सोल्जर नाइनटीन नाइन टाइम्स ये रिपीटेड और वाई शुड द

किया था और उसने उसे जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी थी और केमिस्ट ने फिर उसको क्या रिप्लाई दिया था तो ये ये तमाम बातें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर सिक्स है तो ये आपने सही तरीके से याद करना है और ये प्रिस्क्रिप्शन वाला तो बार बार रिपीट होता है या मेडिकल मैन और केमिस्ट मैन वाला तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है चैप्टर नंबर सेवन माई फाइनेंशियल करियर माई फाइनेंशियल करियर में से हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो मैनेजर को क्यों ये फील हो रहा था कि लीकॉक हैड एंड ऑफुल सीक्रेट टू रिवील ये वाला और इसके अलावा जो ब्लंडर्स से रिलेटेड है और इन तमाम मिस एडवेंचर के बाद जो है लीक ऑफ अपनी मनी जो है वो कहाँ पे रखा करते थे तो ये वाले क्वेश्चंस इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्हीं पे आपने मेन फोकस करना है चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस में से आपके पास चाइनीज़ एग्रीकल्चर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और हाउ डज़ चाइना रिलाई ऑन इट्स ऑन रिसोर्स ये मोस्टली रिपीटेड है ये इसको भी देखिएगा आप लोग सही तरीके से इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा इनके जितने भी नोट्स हैं आपके पास हेल्पिंग मटेरियल हो गए आपके टीचर्स के नोट्स होंगे अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टी फाइल्स आपको हर चैप्टर की सिनोनिम क्वेश्चन इसमें आपके पास आ, मिल जाएंगे आप लोगों को वे टू प्रोग्रेस में इसके बाद हमारे पास जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो चाइनीस रिलेटेड है क्योंकि ये एक एकेडमिक ऐसे है और इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बार बार आता है और चाइनीजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड में आता है तो इनको ये फोर क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिस्क्राइब सम ग्रेट फैमन इन द दाज ये वाला क्वेश्चन और हाउ डू फैमन बनाकर ट्वेल्व टाइम्स ये आया है और आपके कोई भी बोर्ड का पेपर है उसमें से आप देखेंगे तो ये आपके पास लाजमी ये वाला क्वेश्चन आया है और बर्थ रेट और डेथ रेट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएंगे तो ये नाइन्थ चैप्टर के ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इन पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों ने चैप्टर नंबर टेन पर आ जाते हैं जूल एंड द वर्ल्ड इसमें से जो उसका ड्रामेटिक स्केप है उसके मुतलिक बार बार आपको क्वेश्चन आते हैं या अबासी कैलफ ने जो है वो हेड रिसीव करने के बाद गवर्नर के मुतल क्या कहा था ये चैप्टर नंबर जो है ये वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और हल हाकिम जो है उसके जो प्रमोट कैसे किया था उसने लर्निंग और स्कॉलरशिप को अपनी किंगडम में तो ये वाले क्वेश्चन चैप्टर नंबर टेन से ये थ्री क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉटेंट है तो इस तरीके से आपके बुक टू का जो पहला सेक्शन है प्रोज का जिसमें से आपको नाइन में से सिक्स क्वेश्चन करने होंगे वो आपका कंप्लीट हो जाता है और इन इन्हीं क्वेश्चन में से वो सिक्स के सिक्स आपके पास आएंगे अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर टू पर हीरोज में ट्वेल्व मार्क्स का टोटल आपके पास आएगा चैप्टर नंबर अलेवन फर्स्ट हैरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से इसमें से आपको सबसे पहले तो सवाल आता है वट डिड गुड चर्चल थ्री ईयर एट डू हिम कि वो जो तीन साल हैरो में रहा था क्या उसके लिए गेंद था या लॉस था ये वाला क्वेश्चन अमूमन रिपीट होता है लेटन पेपर उसने कैसे किया था ये वाला सवाल तो हर पेपर में तकरीबन आता है और वाई डू चर्चल नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन ये वाला सवाल और हाउ डिड समर वेल टीच इंग्लिश तो ये फोर क्वेश्चन इसके मोस्ट रिपीटेड हैं इन पर आपने फोकस करना है इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बोर्ड में से भी क्वेश्चन आएंगे ही

फॉर अर्ली लाइफ और फ्लेमिंग ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइट ब्लड साइड या लिक्वसाइड के नाम से यह होगा यह वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलीन दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और हाउ वॉज अ पेंसिलीन हेल्ड एज द वंडर ड्रग ये वाला भी बार बार रिपीट होता है तो यह चैप्टर नंबर थर्टीन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर फोर्टीन पर आ जाते हैं लुइस पास्टर पर लुइस पास्टर से अमूमन वो इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता प्री बोर्ड में या आपके फाइनल बोर्ड में तो लुइस पास्टर में से बहुत कम एक क्वेश्चन अमूमन आ जाता है या

ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सोशल रिफॉर्म या इकनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से दे देगा और महमद का जो प्लान था वो क्यों फ़ेल हुआ था और मुस्तफ़ा कमाल का रिप्लाई क्या था ये क्वेश्चन भी मुस्तफ़ा कमाल से आएंगे तो ये मोस्ट इंपॉटेंटली यही क्वेश्चन आपको हीरोज़ में से आएंगे तो आपको मैंने दोबारा से बता देता हूँ ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनको अपने पास नोट डाउन करते जाएँ और इनके अगर नोट्स अगर आपको चाहिए हों तो आप हमारे चैनल पर भी दे सकते हैं तमाम नोट्स अपलोडेड हैं सेक्शन नंबर फोर मिस्टर चिप्स पर आ जाता है मिस्टर चिप्स से आपको सिक्सटीन मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ये वही होंगे जो टॉप ट्वेंटी फाइव जो हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक

बैट ऑफ रोजेस क्रोकोडाइल्स टीयर ठीक है लेम एक्सक्यूजेड किथ एंड किन जेल बर अंडर अ क्राउड रेड लेटर डे पार्ट एंड पार्सर प्रोजेड कॉर तो इन अफिक्स ये बारे बार बार हमारे रिपीट होते हैं तो इनको आपने सही तरीके से याद करना है अब हम लोग आ जाते हैं ऐसे पे 15 मार्क्स का जो ऐसे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरी प्रडिक्शन है कोरोना पेंडेमिक फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है कोरोना पेंडेमिक को आपने सही तरीके से याद करना है इसका ऐसे हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है अगर आप उन्हें कोई हेल्पिंग मटेरियल नहीं है या आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं माई एम इन लाइफ मोस्ट रिपीटेड में सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है माई एम इन लाइफ है पेट्रोटिज़म वाई एल पाकिस्तान ये भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और सोशल लेवल में से कोई सा भी जैसे करप्शन टेररिज्म इन्फ्लेशन ये वाले जो ऐसे है ये भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है आप वहां से भी देख सकते हैं बजाय के 26 डिफरेंट टॉपिक्स पे याद करने के कोई भी समाज बुराई है उसके लिए एक ही टेंपरेट है एक ही ऐसे है उसके अंदर फिलिंग्स ब्लैंक्स रखी हुई हैं जो भी आपको ऐसे आएगा आप उसका नाम लिख दीजिएगा और माई फेवरेट पर्सनलिटी ये फिफ्थ वन है ये भी मोस्ट रिपीटेड है तो इनशाला आपके फाइनल पेपर्स में आपके जितने भी प्री बोर्ड्स हैं या फाइनल पेपर हैं उनमें से चार आपको ऑप्शन आएंगे ऐसे कि उनमें से एक लाजमी इनमें से कोई ना कोई होगा तो ये पांच आपने सही तरीके से याद कर लेने है, इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आप अगर नहीं है आपके पास तो आप उन नोट्स को देख के भी आप अच्छे तरीके से, से याद करने की कोशिश करें लेकिन ये पाँच आपने सही तरीके से याद करना है बजाय कि आप 30, 35, अलग अलग याद करें अगर आप ये समझते हैं तो ये इनको सही तरीके से याद करने be Now, uh, की कोशिश करें इट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू नाउ मूव डॉन टू द ट्रांसलेशन फिफ्टीन मार्क्स की ट्रांसलेशन आती है और ट्रांसलेशन हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है किसी को नहीं पता होता ट्रांसलेशन कहा से आएगी कैसे आएगी तो आपने ये ट्रांसलेशन जो है ये मैंने इसको सिंप्लीफाइड uh, कर दिया है पास 60 पेपर्स हम लोगों ने देखे हैं पास्ट ईयर्स के 10 ईयर्स के जितने भी पेपर हैं गाइड्स में जो हैं आप, आपके मॉडल पेपर्स में हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल पेपर्स सबको सर्च आउट किया है उनके अंदर हमने 60 पैराग्राफ्स को पिक किया और 60 पैराग्राफ्स में हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है पहला है टेंस और दूसरा है टॉपिक्स टेंस हमने सबसे पहले देखा कि वो टेंस कहाँ से आएगा टेंस जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनट आया इसका मतलब है हमें प्रेजेंट इंडेफिनट पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है फिर प्रेजेंट परफेक्ट आया है प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो ट्वेल्व टाइम्स आया और प्रेजेंट पास इन डेफीट टेन टाइम्स और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वन टाइम है टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल सिक्सटी बन जाएंगे तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पास सिक्सटी पेपर्स को जब हमने देखा तो हमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा बोर्ड में जो हमें टेंस आता है वो प्रेजेंट इंडेफीनेट और प्रेजेंट परफेक्ट आता है और फिर हमने देखा कि उनमें से मोस्टली टॉपिक्स कौन से कवर करता है वो जो टॉपिक्स कवर करता है सबसे ज़्यादा जो है वो टॉपिक्स सोशल टॉपिक्स हैं जैसे विलेज लाइफ सिटी लाइफ से रिलेटेड कोई ट्रांसलेशन का पैराग्राफ देगा हेल्थ से रिलेटेड दे देगा फॉरेस्ट से रिलेटेड देगा फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे पैट्रॉटिक पे आता है पैट्रॉटिक में पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान से रिलेटेड फिर एजुकेशन से रिलेटेड है स्कूल बुक्स स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर हिस्टोरिकल पर्सनलिटीज़ यानी उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड है इलामा इकबाल का पैदा हुए उन्होंने मुसलमानों के लिए कितनी एफ़र्ट की कायद अजम से रिलेटेड आ जाएगा होली प्रॉफिट से रिलेटेड आ जाएगा साइंस से रिलेटेड भी थोड़े से उसमें पैराग्राफ थे एटम फॉर पीस है यूज मिस यूज ऑफ़ इंटरनेट मोबाइल या कंप्यूटर है और रिलीजन से रिलेटेड आ जाए लेकिन जो मेरी एक प्रडिक्शन है कि आपको सही तरीके से ये दो टेंसेस सही तरीके से याद करने चाहिए प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट और सोशलो पैट्रॉटिक जो है ये आपको टॉपिक्स आने चाहिए अब ये टॉपिक्स लिखने का मकसद क्या है टॉपिक लिखने का मकसद है कि इनसे रिलेटेड वकीबलरी आपके पास होनी चाहिए यानी कि आपको पैट्रॉटिक से रिलेटेड जितने भी जो आपकी वकीबलरी है जो आपको ट्रांसलेट करना है मुहब वतन की आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए ठीक है हमले की ट्रांसलेशन uh, uh, आनी चाहिए खुद मुख्तारी की अंग्रेज़ी आनी चाहिए तो ये आपके पास लाजमी आना चाहिए और फिर हम लोगों को uh, अगर आपके पास इसके रिलेटेड केबलरी नहीं है तो ये वैकेबलरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और मोस्ट प्रॉबली इस मरदा पहली मरतबा पेंडेमिक का ऐसे कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड कोई आपको ट्रांसलेशन भी दे सकता है तो ये ट्रांसलेशन के पैराग्राफ भी कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड इसकी वैकेबलरी को भी याद करना है और अगर आपके पास पैराग्राफ्स नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं वो पैराग्राफ भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो यहाँ पे हमने जो अनएक्सपेक्टेड जो एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है उसको भी हमने एक्सपेक्टेड बना दिया आई होप आप सबको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड आई गेस कि इन शाला तला आपका पेपर इन्हीं पैटर्न में इन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आएगा एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने जितने भी सेकेंड ईयर के फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो